जय हिंद। आधार NPCI को कैसे आप किसी बैंक अकाउंट में लिंक कर सकते हैं, या अगर एक बैंक में लिंक है दूसरे बैंक में आपको बैंक खाता में लिंक करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि किस बैंक खाते में आपका आधार NPCI लिंक है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर जो आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट होता है UIDAI, इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपको आधार कार्ड का जो पहला साइट आएगा इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड का साइट सॉरी ऑफिशियल साइट खुल जाएगा और यहाँ पे नीचे आ जाइएगा आप स्क्रॉल करके। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आधार सर्विस दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। आधार सर्विस, आधार सर्विस पे क्लिक होते ही आपको नीचे आना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाइएगा और यहाँ पे दिख जाएगा आपको नीचे ऑप्शन आधार लिंकिंग स्टेटस, आधार चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि आपके किस बैंक खाते में आधार NPCI लिंक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन है, आधार कार्ड और वर्चुअल ID से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आधार नंबर से चेक करके दिखाते हैं आपको। तो आधार नंबर को और यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेना है और फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको दिख जाएगा सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है। और OTP को फिल करने के बाद मैं फिल कर लेता हूँ अपना OTP, और OTP फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि किस बैंक अकाउंट में लिंक है। मेरा बड़ौदा में लिंक है और किस डेट में लिंक हुआ है और एक्टिव है कि नहीं है, सब यहाँ पे शो होने लगेगा। और चलिए मैं अगर बड़ौदा में लिंक है और स्टेट बैंक में मुझे लिंक करना है तो कैसे आधार NPCI को लिंक कर सकता हूँ दूसरे बैंक में, तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेटस आपको दिख ही गया, और सबसे पहले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि कैसे आप दूसरे बैंक में बैंक खाते में आपको लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रोम ओपन करके सर्च कर लेना है आधार लिंक NPCI फॉर्म, और यहाँ पे सर्च कर देना है। इतना लिख के आपको सर्च करने के बाद जो पहला पेज ओपन होके आएगा साइट, यहाँ पे देख पा रहे आधार सीडिंग प्रोसेस PDF, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पर आधार सीडिंग प्रोसेस PDF पे, तो ये आधार एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। और चलिए मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद PDF को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक पूरा PDF मिल जाएगा आपका आधार सीडिंग प्रोसेस का। और यहाँ पे रूल कस्टमर रूल होगा, रूल बैंक रूल होगा, इसको पढ़ लेना है आपको और स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है सीधे फॉर्म पे। और फॉर्म को कैसे फ्लिप करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्रिंट आउट इसका निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल के आपको यहाँ पे ब्रांच का नाम, बैंक का नाम, डेट, अकाउंट नंबर और नाम, और फिर से अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। और फिल करके फिर नीचे आपको स्क्रॉल करना है। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए ब्रांच वगैरह बैंक वगैरह लेना है, और यहाँ पे सिग्नेचर या थंब आप जो भी लगाते हैं उसको यहाँ पे कर लीजिएगा और इसको फिलअप कर लेना है। और फिर इसको फिल करने के बाद नीचे आ जाना है, फिर से आपको यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कर लेना है। और फिर यहाँ नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कॉपी ऑफ आधार कार्ड का एक फ़ोटो कापी, और उस पर अपना सिग्नेचर या थंब लगाते हैं जो भी लगा लीजिएगा। इसको प्रिंट आउट और आधार का प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने बैंक ब्रांच पे चले जाना है, और ब्रांच पे आपको इसको जमा कर देना है। और आपका आधार कार्ड उस बैंक खाते में जिस खाते में आपको लिंक कराना है वहाँ उस ब्रांच पे जाके आपको इस फॉर्म को जमा कर देना, और आपका आधार कार्ड NPCI बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।